साबित हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, पन्ना से बड़ी खबर मिल रही है जहां बीजेपी सह प्रभारी सतीश उपाध्याय का कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा है। मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे तीन सीएम, ऐसा उन्होंने कहा है। पहले नंबर पर दिग्विजय सिंह, दूसरे नंबर पर कमलनाथ, सतीश तीसरे नंबर के हैं मुख्यमंत्री सिंधिया। सतीश कर्जमाफी के नाम पर किसानों को ठग रही है और पन्ना में मध्य प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सतीश उपाध्याय ने कहा है कि मध्य प्रदेश में तीन मुख्यमंत्री हैं, पहले नंबर पर दिग्विजय सिंह हैं, दूसरे नंबर पर कमलनाथ हैं और तीसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर कहा है कि कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किसानों को ठगने का काम कर रही है। तो वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट देने को लेकर कहा कि पार्टी उसी को टिकट देगी जो लोकसभा सीट के योग्य होगा। मुझे लगता है कि कर्ज माफी जिस तरीके से एक हिट एंड रन है, जब राहुल गांधी ने कर्ज माफी की बात की थी तो किसानों को भी लगा कि शायद उनके जीवन में रोशनी आएगी, लेकिन जिस तरीके से कर्ज माफी हुई है, जिस तरीके से 2 लाख की घोषणा की गई और राहुल गांधी ने कहा कि अगर 10 दिन में कर्ज माफी नहीं हुई तो वो मुख्यमंत्री को हटा देंगे, और लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे लगता है कि सवाल माइके लाल की इशू नहीं है। हमने ये 10% आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू हो गया, हिमाचल में लागू हो गया, गुजरात में लागू हो गया। मैं कमलनाथ सरकार से पूछना चाहता हूँ, वैसे तो यहाँ 3 मुख्यमंत्री हैं, किसी एक से पूछूं या 2 से पूछूं, क्योंकि सुपर मुख्यमंत्री तो दिग्विजय सिंह हैं और रिमोट उनके हाथ में है, और दूसरे मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं और तीसरे सिंधिया हैं, क्योंकि निर्णय बड़े बल पलटे जा रहे हैं। और सहयोगी विकास हमारे साथ ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। विकास, यहाँ पर जो कांग्रेस पर निशाना साधा गया है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने कहा है कि तीनों ही यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और ठगा जा रहा है किसानों को, इस तरह कहकर निशाना साधा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक दिवसीय दौरे पर लोकसभा के प्रभारी सतीश उपाध्याय जी यहाँ आए और उन्होंने सुबह पत्रकारों के साथ बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो उम्मीदवार रहेगा खजुराहो सांसद सीट का, वो पार्टी तय करेगी 3 मार्च के बाद, और जो कांग्रेस सरकार है, इन्होंने लोकसभा के चुनाव तक के लिए किसानों को फार्मों में बिठा कर रखा हुआ है, ना कि उनका कर्ज माफ कर रही है। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री हैं, तो इनमें से निर्णय लेने में भी इन्हें काफी टाइम लगता है, क्योंकि ये निर्णय नहीं ले पाती सरकार। जी ठीक है विकास, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह